आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन को बताएंगे और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ हम बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D आर प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D आर प्लेन, 3D आर स्पेस, और इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो देखिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम बताने जा रहे हैं। सब्सट्रैक्शन टू वेक्टर्स, सपोज ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू लाइन सेगमेंट्स एंड यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी। हमें ये फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए माइनस बी के लिए हम क्या लिख दें, ए प्लस माइनस बी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए में माइनस बी हम ऐड कर दें, ए माइनस बी कहें या ए में माइनस बी ऐड कर दें, बात एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि इतना ज़्यादा घुमा के ऐसे लिखने की क्या हो सकता है, तो हमारे पास आंसर है कि एडिशन के रूल को हम जानते हैं, एडिशन के रूल को अच्छी तरह से जानते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के रूल के लिए हम उसी एडिशन के रूल की हेल्प ले लेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो हमने a के इक्वल ये रिप्रेजेंट कर दिया ओ ए वैक्टर, और ये जहाँ एक इसका एंड हो रहा है b के इक्वल और पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसे ले लें, माइनस बी हो जाएगा, ये a वैक्टर माइनस बी हो जाएगा, और a में माइनस बी ऐड करें, a में माइनस बी ऐड करें, तो एडिशन का रूल क्या है, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल वेक्टर का क्या टर्मिनल पॉइंट ले लिया, और फर्स्ट से लास्ट को हम अटैच कर दें और एरो फॉर्म कर दें फर्स्ट से लास्ट की तरफ, और ये इनफैक्ट a प्लस माइनस बी हो गया या a माइनस बी हो गया। इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम एडिशन का रूल ही अप्लाई करेंगे, a में माइनस बी ऐड करेंगे, a के इक्वल और पैरेलल एक लाइन ड्रा किया, b के इक्वल और पैरेलल अपोजिट में एक लाइन ड्रा कर दिया, माइनस बी हो गया, a में माइनस बी ऐड कर दें, फाइनली a माइनस बी हम पा गए। तो ये है सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके बाद अब देखिए, वेक्टर्स में इनइक्वलिटी अनडिफाइंड होती है। जैसे वेक्टर ए ग्रेटर देन वेक्टर बी, वेक्टर ए लेस देन वेक्टर बी अनडिफाइंड है, इसमें इनइक्वलिटी अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से वेक्टर्स की केस में, जैसे नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स की केस में कहते हैं कि ये नंबर इससे ग्रेटर है, ये नंबर इससे लेस है, ये नंबर इसके इक्वल है, यही तीन चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर दूसरे से ग्रेटर, एक वेक्टर दूसरे से कम, इनइक्वलिटी की कॉन्सेप्ट यहाँ अनडिफाइंड है, होती ही नहीं, ठीक है। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है इनइक्वलिटी नहीं होती है, सोशलिज्म में इनइक्वलिटी नहीं मानी जाती है जैसा डिफाइन किया जाता है, तो वह उसी तरीके से वेक्टर में आप समझ लीजिए कि एक तरीके की सोशलिज्म है। यहाँ जो है एक वेक्टर दूसरे से न तो ग्रेटर है न तो दूसरे से लेस है, ये एकदम अनडिफाइंड है। इनइक्वलिटी इज अनडिफाइंड इन केस ऑफ वेक्टर्स, इनइक्वलिटी नहीं पाई जाती, इज अनडिफाइंड या मीनिंगलेस इन केस ऑफ वेक्टर्स। मीनिंगलेस और अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया गया है, अनडिफाइंड इन केस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स में मीनिंगलेस टर्म है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ग्रेटर
या एक वेक्टर को दूसरे से लेस, ये दोनों चीजें क्या हैं? अनडिफाइंड हैं, ये नहीं होता, नहीं पाया जाता यहां पर। नंबर टू देखिए, अगर हम कहें कि मॉड ले लेंगे, तब अगर मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी लिख दें तो सही है, ठीक तो है। मॉड लेने के बाद क्या हो जाता है, इसके मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर में तो दिन रात यही होता ही है कि एक रियल नंबर दूसरे से ग्रेटर, एक रियल नंबर दूसरे से लेस या इक्वल, यही होता है। तो ये है, तो यहाँ ये डिफाइंड है, मॉड लेने के बाद स्केलर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चाहे ऐसे करें, चाहे मॉड ए लेस देन मॉड बी करें, ये सब मीनिंगफुल है, यहाँ पर डिफाइंड है। अब देखिए वेक्टर्स में, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। आप कहेंगे यूनिट वेक्टर तो पहले ही बताए थे, अब जो बताने जा रहे हैं, अब उस यूनिट वेक्टर को देखिए, ये वास्तव में एकदम रियल यूनिट वेक्टर की बात करने जा रहे हैं, रियल डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। लेट ए इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, कोई नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, देन यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई बाई दिस नोटेशन ए कैप, एंड इट इज डिफाइंड एज, इसकी डिफिनीशन ये होती है, ऐसे डिफाइन करते हैं, क्या ए कैप को डिफाइन किया, बेसिक डिफिनीशन, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को उसी के मॉड से अगर डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर अगर हम करें, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर हमने लिया, तो हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये ए वेक्टर है और इसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर की बात कहें तो कहीं भी ऐसे वेक्टर ले लें जिसका मॉडुलस वन हो, कहीं भी ले लें, यहाँ ले लें, ये मॉडुलस वन है, कहीं भी ले लें, तो ये है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मॉडुलस वन होता है, ये तो पता ही है। इस तरह से बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स को अगर मिला दें तो पूरा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर मिल जाएगा हमको। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट चीज़ और ड्रा कर लें, जैसे ए कैप को हमने ये लिखा, वेक्टर ए अपान मॉड ए लिखा, अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मॉड ए इंटू ए कैप, मॉड ए टाइम्स ए कैप, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखेगी इसमें। वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वेक्टर, किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ये बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में आएगा, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, इसी के वेक्टर के न्यूमेरिकल में नहीं, बहुत जगह फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आएगा, बता भी दे रहे हैं कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में बहुत यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चंस उनको सॉल्व करके दिखाएंगे कि देखिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, उस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए और उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इन ऑर्डर टू फाइंडिंग अ वेक्टर एलॉन्ग स्पेसिफाइड डायरेक्शन वी मस्ट हैव मॉड ऑफ द वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वेक्टर। कभी भी किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले उस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए और उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर हमको फाइंड करना है तो इस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए और इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए।
ये नहीं कि ये वेक्टर फाइंड करना है और किसी और वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेके आए। फिर ध्यान से सुन लीजिए, इन ऑर्डर टू फाइंडिंग अ वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द मॉड ऑफ द वेक्टर, द मॉड ऑफ द वेक्टर, उसी वेक्टर का मॉड, और फिर क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं हमेशा के लिए, वेक्टर इक्वल टू क्या, वेक्टर इक्वल टू, जनरलाइज कर लें इस रूल को, द मॉड ऑफ द वेक्टर, उसी वेक्टर का मॉड चाहिए जिस वेक्टर को निकालना है, मॉड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, अलोंग द वेक्टर, किसी और डायरेक्शन का नहीं चाहिए। ये एक फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, द मॉड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, द मॉड ऑफ द वेक्टर, उसी वेक्टर का क्या मॉड जिस वेक्टर को निकालना है, और उसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए वास्तव में यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन को हम डिफर कर पा रहे हैं, आसानी से हम बता देते कि अलग डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन, वास्तव में ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यूनिट वेक्टर। अगर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हम डिफरेंस कर पाते हैं तो मैथमेटिकली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यूनिट वेक्टर। और एक डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फिक्स होता है, ऐसा नहीं होगा कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आर कैप है तो आप बताएंगे, हम बताएं आर कैप, आप बताएं कुछ और, नहीं, हर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एकदम फिक्स होता है। तो वास्तव में यूनिट वेक्टर है क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन। अगर यूनिट वेक्टर के बारे में हम कहें कि क्या है वास्तव में, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन। अब देखिए जैसे कहीं पर फॉरेन वगैरह में जाना होता तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है स्वयं नहीं जाता, ज़्यादातर जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, ठीक है, मतलब ये कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी कह रहा है ये माना जाएगा कि उसकी लैंग्वेज है, वो बोलना चाह रहा है ऐसा, और फिजिकली वो सब जगह नहीं चला जाता है। वैसे ही यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन का क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, उस डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो ये कहेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग अ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स, यूनिट वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा एक डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में अगर हम डिफरेंस कर पाते हैं तो उसके लिए यूनिट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वेक्टर्स में डिवीजन वगैरह जो है, वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अरे भाई किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई लेमडा इंटू वेक्टर ए, लेमडा टाइम्स वेक्टर ए जो पहले बताए हैं, तो अगर कोई कहे कि लेमडा से डिवाइड करें, ठीक है कोई बात नहीं, लेमडा डिवाइड करने का मतलब क्या कि वन अपान लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें इसमें क्या है मीनिंगफुल है। वेक्टर में किसी स्केलर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वेक्टर अपान वेक्टर नहीं होता, वेक्टर में डिवीजन अनडिफाइंड। आप कहेंगे क्यों नहीं होता, तो अनडिफाइंड है, वेक्टर ए अपान वेक्टर बी ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, वेक्टर में डिवीजन नहीं, वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, ठीक। अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D आर प्लेन, जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी उस तरीके से हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते गए 2D 3D, इसके बाद इतने से भी काम नहीं चला, पोलर कोऑर्डिनेट लिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे तमाम सिस्टम हम लोग बनाते हैं। अब ठीक है, अब कहीं पर इस तरीके से अगर वाटर वगैरह रन कर रहा है इस तरीके से, तो वहाँ कौन सा पोलर कोऑर्डिनेट काम करेगा, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट काम करेगा,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लिए गए हैं ये आवश्यकता अनुसार लिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार इनको लिया गया है। ऐसे नहीं है कि हर जगह जो है एक ही सिस्टम हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर, 2D में और प्लेन में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D आर प्लेन, टू डी आर प्लेन मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो लिया इसको हमने ओ ले लिया ओरिजिन। यहां कोई पॉइंट अगर हम ले दें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमने आई कैप ले लिया, आई कैप लिखते हैं, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप या इसको हम लोग एक्स कैप भी लिखते हैं, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप या वाई कैप भी लिख सकते हैं। अब वास्तव में एक्स वाई का मतलब हम बता रहे हैं, एक्स वाई है क्या, यहाँ से हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए कि पॉइंट एम है और इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें वाई एक्सिस पर, यहाँ ओपी अगर हम फाइंड करना चाहें तो वास्तव में वेक्टर एडिशन लॉ से क्या होगा, ओएम प्लस एमपी, ये जो ओपी जिसको हम लिख रहे हैं ये है ओपी को हम लिख सकते हैं ओएम प्लस एमपी, वेक्टर एडिशन लॉ ओएम प्लस एमपी कर दें। अब देखिए ओपी को हमने आर वेक्टर ले लिया, इसको आर नोटेशन दे दिया, और हमने अभी अभी बताया था किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या दो चीज़ें चाहिए, उस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए और उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे ओएम वेक्टर हमको लिखना है तो ओएम का मॉडुलस चाहिए और ओएम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, कैप लगा दिया, ओएम कैप मतलब यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ओएम। ऐसे ही एमपी वेक्टर है तो एमपी का मॉड चाहिए और एमपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अब देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर को ओएम का मॉड ओएम लिख दें ऐसे और इनटू क्या ओएम कैप लिखा प्लस एमपी एमपी कैप। अब देखिए ओएम वास्तव में है क्या, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस एक्स आएगी और ये डिस्टेंस वाई आएगी, मतलब पॉइंट पी पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर पहुंचने का मतलब क्या कि ऐसे एक्स डायरेक्शन में स्मॉल एक्स डिस्टेंस चल के और फिर वहां से परपेंडिकुलर मूवमेंट हमारा हो, परपेंडिकुलरली हम वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर लें पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे। तो यहां देखिए ओएम वास्तव में है क्या, एक्स है और ओएम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो चाहे ओ एम के लिए कहें इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर रहेंगे सबके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा, और ऐसे ही एम पी कह रहे हैं ये डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर क्या है जे कैप है, हम लिख सकते हैं वाई टाइम्स जे कैप, यहाँ लिख दिया हमने ओ एम कैप का मतलब यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ओ एम या यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ओ एक्स, क्या लिखा हमने आई कैप या एक्स कैप में से कोई भी। ऐसे ही एम पी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहते हैं तो हम जे कैप लिख दें या वाई कैप कर दें, और इस तरीके से आर वेक्टर को हमने ऐसे लिखा एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे। अब देखिए इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे लिख दिए, ये तो वेक्टर की लैंग्वेज में लिखा, वेक्टर एनालिसिस में लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स कामा वाई ऐसे लिख दिया, इसका मतलब कि x टाइम्स i प्लस y टाइम्स j कहना चाह रहे हैं। भाई सीधी सी बात है कि जैसे यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको हम जिस पॉइंट को x y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेक्टर ज्योमेट्री में वेक्टर एनालिसिस में उसी को हम बोल रहे हैं x टाइम्स i प्लस y टाइम्स j। अब जैसे यहाँ पार्लियामेंट बोल रहे हैं, बगल में ईरान में चले जाइए मजलिस बोलते हैं, रूस में चले जाएँ उसी को ड्यूमा बोलने लगते हैं, तो बस वही चीज़ समझ लीजिए कि है वही चीज़, बस रिप्रेजेंटेशन की रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो गया है। अब देखिए
अगर हम कहें कि इसका माड निकालिए, इस वेक्टर का माड निकालिए, तो माड कैसे निकालेंगे? द माड ऑफ वेक्टर आर, आर का माड मतलब इसकी लेंथ चाहिए, माड आर, माड ऑफ आर, माड ऑफ वेक्टर आर, या इसी को ऐसे लिख दें माड आर, या ऐसे भी लिख दें, आर लिख के छोड़ दें। इन ट्रायंगल ओएमपी, ट्रायंगल ओएमपी में देखिए एंगल ओएमपी 90 डिग्री, हम यहाँ कहें कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर क्या आएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर, ओ एम है क्या, एक्स है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और ओ पी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है, या मॉड आर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, मॉड आर स्क्वायर लिखें या आर स्क्वायर लिखें, एक ही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फ्रॉम हियर मॉड आर इक्वल टू क्या, या आर इक्वल टू रूट कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वायर, ये है मॉड। जैसे मान लीजिए कि किसी वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, लेट आर इक्वल टू, हमने लिख दिया थ्री टाइम्स आई प्लस फोर टाइम्स जे, तो हम कहें मॉड आर क्या हो जाएगा, देन मॉड आर इक्वल टू क्या, रूट कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वायर, आई का कोफिशियंट थ्री और जे का कोफिशियंट फोर, ये क्या जाएगा, फाइव आ जाएगा, ऐसे करेंगे। अब इसमें देखिए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर आर, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर आर, वेक्टर आर के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर, एलॉन्ग वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, आर कैप, और आर कैप होता क्या है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर, किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दें, या ऐसे भी लिख सकते हैं आर अपॉन मॉड आर, ऐसे लिख दें, बात वही है, और आर है क्या, एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे है, और मॉड आर क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर कैप है, इसको हम आर कैप बोलेंगे, एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे अपॉन इतना। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट अब बताने जा रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें थी, सब जगह मिल जाएंगी, जो अब बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होगा, हम बताने क्या जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर यूनिट वेक्टर हम बताने जा रहे हैं। अब इस यूनिट वेक्टर से क्या क्या फ़ायदे मिल जाएंगे, अभी 2020 में क्वेश्चन आया था, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, कि दो प्लेट दे करके यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स थी और एक दूसरे से 30 डिग्री पर रख दिया था, और इस क्राइटेरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, वेक्टर फॉर्म में पूछा था, उठा करके आप जी का पेपर देखिए, उसमें दिख जाएगा, उसको हम यहाँ बताएँगे भी, वहाँ इस वेक्टर का जो ये वेक्टर अब बताने जा रहे हैं, अब समझ में आएगा कि ये वेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। और कहाँ, जैसे ज़्यादातर लड़के एस सी वर्मा वगैरह को लेते हैं, उस बुक से पढ़ते हैं, उसमें कम समझ में आती है कई जगह, उसका कारण क्या है, ये मान लिया गया कि इस लेवल की मैथमेटिक्स आपको आती है, ये वेक्टर इतना जानते हैं आप, सीधे यूज कर दिया गया है, वो जब ये चीज़ें बता देंगे तब इसके बाद देखेंगे ज़्यादा आसान दिखेगी आपको। देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, मतलब बहुत जगह यूज करेंगे इसका, अच्छी तरह से देखिए इसको,
यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज हम और कहाँ करेंगे, मैकेनिक्स में भी बहुत करते हैं, रेडियल ट्रांसवर्सल डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स दिखाएंगे पूरा, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, सब जगह ये कॉन्सेप्ट ये जो बता रहे हैं इसी यूनिट वेक्टर से कॉन्सेप्ट वहाँ जाएगी। देखिए कैसे, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, जैसे वो फिगर था उसी तरह से हमने फिगर यहाँ ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप ले लिया और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप ले लिया, इस डायरेक्शन का इसके जस्ट अपोजिट है तो माइनस आई कैप, इधर माइनस जे कैप वाई के नेगेटिव डायरेक्शन का। यहाँ देखिए कोई पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट को हमने बताया था एक्स वाई ले लिया, इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द रियल सिचुएशन ऑफ पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, ये एम पर आके इंटरसेक्ट किया, इसको एक्स लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर वाई पर ड्रॉप कर दिया, इसको वाई ले लिया। हम ओ पी वेक्टर को अगर आर वेक्टर ले लें और मान लें कि ये एंगल थीटा है, इसको जिसको हम आर लिए थे वही आर है, ऐसे ही आर ले लिया और हम जो है इससे थीटा एंगल सपोज कर लिए कि थीटा एंगल है, तो यहाँ पर देखिए आर को हमने क्या लिखा था, आर इक्वल टू क्या एक्स आई प्लस वाई जे लिख दिया था। हम कहें कि आर कैप बताएं, तो आर कैप होता क्या है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर, ऐसा लिखते हैं। आर पता है हमको, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, आर आर कैप कैन बी री रिटन एज एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे अपान आर। यहाँ बहुत सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया, ए प्लस बी अपान सी की मैथमेटिक्स, ए अपान सी प्लस बी अपान सी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग कर दिया। और थोड़ा सा और ऐसे लिख दें, एक्स अपान आर टाइम्स आई कर दिया प्लस वाई अपान आर टाइम्स जे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही है। अब देखिए यहाँ हमने लिख दिया कॉस थीटा टाइम्स आई प्लस साइन थीटा टाइम्स जे। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो हम यहाँ बता रहे हैं इन ट्रायंगल ओ एम पी, क्या कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज और बेस ओ एम मतलब एक्स अपान आर। अगर यहाँ से हम कहें कि एक्स अपान आर इक्वल टू क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ कहीं भी एक्स अपान आर देखिएगा कॉस थीटा, और वाई अपान आर क्या लिख देंगे साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हम फिर जोर दे के कह रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, कहाँ कहाँ डाइपोल मोमेंट वगैरह के न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट का, और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, और रेडियल ट्रांसवर्सल वेलोसिटी जो वगैरह निकालेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन, ये सब मैकेनिक्स में जो यूज करते हैं, ये रिजल्ट इसी तरह का रिजल्ट वहाँ पर हम यूज करेंगे। क्या इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये है किसी भी डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और केवल इतना पता लग जाए कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो फॉर्म कर रहा है, वी कैन फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अ डायरेक्शन नोइंग द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, जैसे हम कहें आपसे कि 30 डिग्री पर यूनिट वेक्टर बताइए, जैसे ये कहें हम कि फाइंड
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अ डायरेक्शन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए ऐसे हमने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अ डायरेक्शन along a direction which makes angle of 30 degree from x-axis। ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आसान कर देती है। कई जगह दिखाएंगे आपको, कई न्यूमेरिकल में दिखाएंगे। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर हम बात करने जा रहे हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं। लेट रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज आर कैप ले लिया, और जब हमें पता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल है 30 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस 30 टाइम्स आई प्लस साइन 30 टाइम्स जे। और कॉस 30 क्या है, रूट 3/2 टाइम्स आई प्लस 1/2 टाइम्स जे, या 1/2 टाइम्स रूट 3 टाइम्स आई प्लस जे, ऐसे फाइंड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर हम आगे बताएंगे।